नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर, और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में आज हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके विधायक खुद बताएंगे कि उन्होंने विकास को रफ्तार देने के लिए कितने प्रयास किए हैं, जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए आपके जनप्रतिनिधि क्या क्या कदम उठा रहे हैं, और विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कार्य अभी तक उनके द्वारा किया जा चुका है और कितनी परियोजनाओं को रोड मैप उनके द्वारा तैयार किया गया है। और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गौंदर। विधायक धर्मपाल गौंदर से पूछेंगे कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कितने वादे अब तक पूरे कर लिए हैं, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। इलाके के विधायक से आपको मिलाए, लेकिन उससे पहले नीलोखेड़ी हलके में कितना विकास हुआ है, बड़े बड़े इश्यूज क्या हैं, बड़े मुद्दे क्या हैं, जरा सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं बड़े इश्यूज क्या हैं, जरा उसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि नीलोखेड़ी के जो बड़े विषय जिनको लेकर के जनता अक्सर अपने विधायक तक पहुंचती रही है, HIRD से GT रोड का जो काम है वो अभी तक अधूरा है, और छतरी चौक से किसान बस्ती तक का जो रोड है वो बेहद खराब है, इसको ठीक करने की मांग लगातार उठती रही। पॉलिट्री एरिया से पुलिस चौकी तक सड़क पूरी तरीके से जर्जर नजर आती है। 6 हलकों में पानी निकासी की समस्या गंभीर समस्या बन चुकी है, वहीं सब डिवीजन की मांग आज तक अधूरी ही नजर आती है। इस बारे में लगातार विधायक तक बात पहुंचाई गई। तरावड़ी GT रोड पर सब्जी मंडी बनाने की भी एक मांग जो कि प्रमुखता के साथ उठती रही है। शहर से अनाज मंडी शिफ्टिंग की मांग ये बेहद पुरानी हो चुकी है। गांव को शहर से जोड़ने की मांग भी है, क्योंकि कई हिस्से ऐसे हैं गांव के, ग्रामीण इलाके के, जो शहरों से अभी तक उनकी कनेक्टिविटी हो नहीं पाई है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो सड़कों के जाल को लेकर के है। जहां पर सड़कें बनी हुई हैं वहां पर गड्ढे ज्यादा हो चुके हैं। छतरी चौक से लेकर के किसान बस्ती तक की जो रोड है वो बेहद खराब नजर आती है। पॉलिट्री एरिया से पुलिस चौकी तक की जो सड़कें हैं वो खराब और जर्जर हो चुकी हैं। 6 हलकों में पानी की निकासी की जो समस्याएं हैं वो लोगों के लिए परेशानी बन चुकी हैं। वहीं सब डिवीजन की मांग जो है अब तक अधूरी नजर आती है, इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया। तरावड़ी GT रोड पर सब्जी मंडी बनाने की भी एक मांग उठती रही है कि इस जगह पर जो मंडी है वो तैयार की जा सके, लेकिन शहर से अनाज मंडी शिफ्टिंग की जो मांग है वो बेहद पुरानी है, लेकिन आज तक भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं जो एक बड़ी परेशानी है वो गांव से शहरों को जोड़ने की है। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे गांव हैं जो कि शहरों की साथ जुड़ नहीं पाए हैं, आज भी वहां पर कनेक्टिविटी को लेकर के परेशानी देखने को मिलती है, और इसी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी एक बड़ा वादा किया गया था। लेकिन असल मायने में जो बड़े मुद्दे हैं, क्या इन पर काम किया गया है, कितने कदम अब तक इस मुद्दे पर उठाए जा चुके हैं, पानी की निकासी को लेकर के जो परेशानियां हैं ये समय समय पर, और खास करके बारिश का जब समय आता है तो उस वक्त ज्यादा मुसीबतें लोगों के लिए खड़ी कर देती हैं, क्या इसके लिए काम किया गया। सब डिवीजन बनाने की जो मांग एक लंबे समय से उठती रही है, इस पर कितनी कोशिश की गई है। तरावड़ी GT रोड पर भी एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने के लिए मांग की। शहर से अनाज मंडी शिफ्टिंग की जो मांग है वो बहुत पुरानी है, इस पर कितना काम किया गया। गांव को शहर से जोड़ने के लिए जो लगातार कोशिशें की जाती रही हैं, असल में जो कहा जाता रहा कि गांव को शहर से जोड़ा जा रहा है, असल मायने में नीलोखेड़ी के अंदर क्या ये जो नेटवर्क है ये पूरा किया जा पा रहा है, क्या गांव से शहरों को जोड़ने के लिए अभी तक क्या आगे का विजन है, और किस रास्ते पर अभी तक विधायक चल रहे हैं, और साथ ही साथ इस दौरान पॉलिट्री एरिया हो चाहे तमाम दूसरे इलाके हों, क्योंकि सबसे जो बड़ी परेशानी अगर नीलोखेड़ी की देखें तो वहां पर सड़कों को लेकर के है। सड़कें टूटी हुई हैं, टूटी हुई सड़कों को लेकर के लोगों की तरफ से कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन समाधान अभी तक भी उसका निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गौंदर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। और धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और सबसे पहले सवाल यही कि बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन विधायक चुनकर के जब जनता ने आपको विधानसभा तक भेजा, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, सबसे बड़ा काम आपने विधायक चुनने के बाद क्या ऐसा किया जिसकी वजह से जनता आपको सराहे, आपको सिर आंखों पर बिठा रही है, आपको पसंद कर रही है, क्या कारण है इसके पीछे? धर्मपाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
धर्मपाल गोंदर जी, आप इस वक्त लाइव हैं, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जरा आपको एक बार फिर से वो इश्यूज दिखा देते हैं, वो बड़े मुद्दे दिखा देते हैं। गांव को शहर से जोड़ने की जो तैयारियां हैं, क्या उस पर काम किया गया है, हम ये भी जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से विधायक को जनता ने चुन करके भेजा है, बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा है, विधानसभा में कितने वो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या असल मायने में सड़कों की जो खस्ता हालत है उसको बेहतर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कितना काम अभी तक किया गया है, क्योंकि अभी बहुत हद तक समय भी निकल चुका है, लेकिन इस दौरान क्या वो बड़े काम है जो कि इलाके के लोगों के लिए किए गए हैं। नीलूखेड़ी के लोग भी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ वो ये इस वक्त कार्यक्रम भी देख रहे हैं, और जाहिर तौर पर नीलूखेड़ी के लोगों के लिए अपने आप में ये बड़ा विषय है कि नीलूखेड़ी के विधायक आने वाले समय के अंदर क्या बड़े काम करने जा रहे हैं। और चलिए धर्मपाल जी हमारे साथ सीधे एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? धर्मपाल गोंदर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए मैं वापस से रुक करूंगा, लेकिन ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इश्यूज भी दिखा रहे हैं। छह हलकों में जो पानी निकासी की समस्या है वो आज भी बनी हुई है। छह हलकों के अंदर पानी की समस्या को, पानी निकासी की समस्या को कैसे दूर किया जाएगा, और हाल फिलहाल के अंदर बिजली का जो संकट देखने को मिल रहा है, क्या इस बिजली संकट को लेकर के, क्योंकि नीलूखेड़ी के लोग भी इससे बड़े प्रभावित नजर आ रहे हैं, कई बार लोगों के द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन क्या अब आने वाले समय के अंदर ये बिजली की जो परेशानी है उसको कम किया जाएगा, गाँव को शहर से जोड़ने की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा, अलग अलग शहरों के अंदर जो खस्ता सड़कें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए क्या प्लानिंग है, आने वाले समय के अंदर रोजगार को लेकर के क्या, बहुत एक बड़ा तबका है जो कि लगातार ये कहता रहा है कि हमें रोजगार के साथ जोड़ा जाए, नई इंडस्ट्रीज को लाया जाए, क्या उसके लिए कोशिश की जा रही है, और एक जो क्षेत्र पूरा ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर खेती होती है और खेतीयर किसान मजदूर जो कि आप लंबे समय से मांग करते रहे कि उनके लिए भी मंडियों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके, तो क्या उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। दरअसल तरावड़ी जीटी रोड पर सब्जी मंडी बनाने की जो मांग है वो भी उठाई जाती है, और शहर से अनाज मंडी शिफ्टिंग की जो पुरानी मांग है वो भी देखने को मिलती है, तो इन सभी विषयों को लेकर के विधायक ने कितने कदम उठाए हैं ये भी जरा जानने की कोशिश होगी, उनसे जरा ये भी समझेंगे कि कैसे इन परेशानियों का हल वो जल्द से जल्द निकालने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आने वाले समय के उनके बड़े एजेंडे हैं, क्या आने वाले समय के अंदर वो रोजगार के माध्यम को कैसे जनता के साथ लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, बड़े ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं, क्या उनका फायदा नीलूखेड़ी के लोगों को अभी तक मिल पा रहा है, सब डिवीजन की जो मांग है जो अभी तक अधूरी नजर आती है उसको लेकर के कितने कदम आगे बढ़ पाए हैं, और जैसे कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तरावड़ी जीटी रोड पर सब्जी मंडी बनाने की जो मांग है वो लगातार उठती रही है, और खेतीयर मजदूर किसान जो कि एक अच्छे खासे तबका यहां पर रहता भी है और बड़ा अच्छा खासा प्रभुत्व भी इस इलाके में नजर आता है, तो किसान जो कि अछूता नहीं है, हर एक मुद्दे को वो जानते भी हैं, समझते भी हैं, तो क्या उनकी इस परेशानी को भी अब दूर करने के लिए कोई प्लानिंग है, तो ये वो बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये वो बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, जिन पर हल निकालने की जरूरत है। और चलिए जरा एक बार फिर से हमारे से संपर्क हो गया है धर्मपाल गोंदर जी से। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से पहला सवाल, इलाके के अंदर सड़कों को बेहतर बनाने के लिए, गड्ढा मुक्त बनाने के लिए क्या कल कोशिशें की गई हैं? चलिए ठीक है, मैं वापस दौड़ता हूँ जरा, लेकिन ये जो परेशानी है वो एक लंबे समय से बनी हुई है, अलग अलग इलाके हैं जहां पर आज भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, दावा लगातार किया जाता रहा है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन नीलूखेड़ी के अलग अलग इलाके, चाहे वो ग्रामीण इलाके हो चाहे वो शहरी इलाके हो, इन सभी इलाकों में सड़कों की जो स्थितियां हैं जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि बड़ी बदहाल स्थिति में इस वक्त सड़कें हैं, क्या उसको लेकर के कोशिश है? जरा विधायक साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, जरा जल्दी से हम उनसे जान रहे हैं। एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया है। गोंदर साहब,
सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए गए हैं, क्या कदम उठाए गए हैं, कितने कदम आगे बढ़ पाए हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें कब तक हो पाएंगी? देखिए, जो हमारा हल्का नहीं लोग इसमें हमने लगभग 42 सड़कें जो 12 फुट की थी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की हो, उनको चौड़ा कराने में सरकार के सहयोग से हम सक्षम हुए हैं। और 22 सड़कें में जो कच्ची थी वो पक्की बनवाने में हमारे हल्के में सड़क की लगभग स्थिति बहुत अच्छी है। ये माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम साहब का बहुत सहयोग है इसमें। हाँ जी, नहीं लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो सड़कें हैं वो आज भी कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, कई ऐसे शहरी इलाके हैं जहां पर टूटी हुई सड़कें हैं। नीलोखेड़ी में कोई ऐसी स्थिति नहीं है जी, बाकी सड़कें ठीक हैं। आप ये कह रहे हैं कि नीलोखेड़ी में सभी सड़कें ठीक हैं? हाँ, कुछ दो चार हैं जिन पे काम चलने वाला है, वो इस करके कुछ चोरी होनी है सड़कें, उनको इस करके रिपेयर नहीं कराया जा सकता क्योंकि वो अब नए सिरे से चोरी होगी, तो वो भी जल्दी करवा दीजिए। तो अभी कितना और समय लगेगा सर? गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने का जो दावा था वो बहुत बड़ा दावा है और लोगों को इस पर भरोसा है, लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इलाके की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आप कह रहे हैं कि कुछ जो बची हुई सड़कें हैं वो चौड़ी होंगी, उसके बाद उनको गड्ढा मुक्त किया जाएगा? नहीं, होगी जी, चौड़ी भी होगी। हाँ। नई सड़कें जैसे अप्रूवल आ गया है, किसी का टेंडर लगने वाला है, तो लगभग मेरा ख्याल 3-4 महीने में हमारी सारी सड़कें कम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी सड़कें जो हैं उनके टेंडर भी निकल चुके हैं और जल्द से जल्द उस सड़कों को जो है गड्ढा मुक्त बनाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी परेशानी है सर, जब भी जल निकासी को लेकर के लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बड़ी परेशानियां उनके सामने आती हैं। तो ऐसी जो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल निकासी को लेकर के बड़ी परेशानी है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, उसका समाधान कैसे हो पाएगा? ये पब्लिक के लिए बहुत दुख का विषय है, पानी की निकासी नहीं रही कहीं भी, क्योंकि जोर जो थे कुछ तो गंद की वजह से वो भर चुके हैं, कहीं पर कब्जा हो चुका है और पानी की निकासी है नहीं। कुछ पॉलीथिन जो चले थे कुछ दिन पहले वो तालाब की तह में चले गए हैं। अब सरकार ने जैसे अमृत सरोवर के नाम से शुरुआत करी है, इस तालाब को खुदाया जाएगा और वो जो पॉलीथिन वहां से निकल जाएंगे, नीचे जो हमारा जो नीचे चोवा है रेती पे वो लगभग 10-10 फुट के करीब हर जोड़ खरीद खोदा जाएगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, कुछ उसको साफ करके पानी को किसानों के खेतों में पाइप द्वारा भेजा जाएगा। इसको ठीक करने में लगभग 2 साल और लगेंगे। ठीक है, यानी कि थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये पूरी जो रिपोर्ट कार्ड है ना वो जनता के बीच तक जा रही है। नीलोखेड़ी के लोग भी सीधे हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों के लोग देख रहे हैं और खास करके नीलोखेड़ी के लोग तो ये जानते भी हैं कि कहाँ का पर ये परेशानियां बनी हुई हैं। सड़कों का जो मुद्दा है चाहे वो उसको लेकर के आपने हालांकि कहा है कि कई ऐसी सड़कें हैं जिनको गड्ढा मुक्त बना लिया गया है, बहुत कम सड़कें ऐसी बची हैं जिन पर काम अभी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन छतरी चौक से लेकर के किसान बस्ती तक की जो रोड है वो भी खराब नजर आती है और पॉलिट्री एरिया में जो पुलिस चौकी तक की सड़क है वो भी जर्जर है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें हमारे पास बजट नहीं था, अभी फिर हमने लगभग 16 करोड़ का लिख के दिया था सरकार को, अब उनके हमें काम के लिए बोला भी इसके ना जो जो काम आपके पेंडिंग है जो सड़के या कोई बिल्डिंग से संबंधित है इसके एस्टिमेट बनाकर भेजो, 12 करोड़ के हैं जी वो जो हम एस्टिमेट बनवा रहे हैं, क्यों पहले तो स्टाफ की इतनी कमी है, नीलोखेड़ी में तो ना एमई था ना जेई था जिसकी वजह से काम रुके हुआ था। नीलोखेड़ी की खस्ता हालत है, सड़कों की भी लाइट की भी सिर्फ फंड की वजह से थी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें 12 करोड़ का एस्टिमेट के लिए दिया है वो अब एस्टिमेट लग रहे बनने, जो किसान बस्ती की रोड है किसान बस्ती वाले बहुत तंग है इस बात से, पैसा ना हो करके परेशानी थी, अब एस्टिमेट बढ़ा के भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही थी पहले जो एरिया था नगर पालिका का वो अप्रूव में था, अब वो पता नहीं किस कारण अनअप्रूव कर दिया, उसकी वजह से भी जो काम हम देते हैं
तो वहाँ के सेक्रेटरी वगैरह ही बोलते भी अप्रूव्ड नहीं है। हम ये कह रहे हैं भी सरकार से भी हमारा जो अप्रूव्ड एरिया था उसको भी जैसे अनअप्रूव्ड दिखा दे उसको भी अप्रूव करे, और जो आसपास की कॉलोनी है उन लोगों का क्या कसूर है भी वो टैक्स हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, वहाँ रह भी रहे हैं, उनको जो कॉलोनी हमारी रह रही है जो कुछ एरिया रह रहा है उसको भी उसमें अप्रूव्ड में ले लें तो तभी विकास हो पाए। ठीक है, लेकिन एक जो बड़ी मांग पूरे इलाके से उठ रही है सर, बात करते हैं वो कह रहे थे अप्रूव्ड नहीं आई हुई एरिया, वहाँ जाके हम कुछ से भटक जाते हैं क्योंकि अनअप्रूव्ड में वो पैसे देते हैं, अनअप्रूव्ड में काम नहीं होता। तो मेरे से ही सरकार से अभी जो अनअप्रूव्ड कदम ले रही है उसको अप्रूव्ड ही रखे, जो अनअप्रूव्ड कर दिया उस जो अप्रूव्ड था उसको अप्रूव्ड ही रखे। ठीक है, एक और बड़ी चुनौती, ये सब डिविजन बनाने की जो मांग है वो लंबे समय से उठती रही है, इस मांग को लेकर के कितने कदम अभी तक आगे बढ़ पाए हैं? विधानसभा में मुद्दा उठा, क्या इसको लेकर के अभी तक सहमति बन पाई, क्या इसमें कोशिश हो रही? नीलो खेड़ी का भाग्य ही कुछ कमजोर है, 1986 में हरियाणा बना था, यहाँ तो हरियाणा की राजधानी बननी थी, पता नहीं ये राजनीतिक दृष्टि से पता नहीं यहाँ क्या भाग्य मारा है, जहाँ पूरे हरियाणा की राजधानी बनी थी वहाँ आज तक उपमंडल नहीं बना। इस बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी है, उन्होंने मीटिंग में रख रखा, आश्वासन दिलवा रखा, और नीलो खेड़ी के 46 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं करनाल में काम करवाने के लिए। नीलो खेड़ी का जो उपमंडल का काम था वो करनाल में होता है, और करनाल में काम होने ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के लोग पिछड़ गिर चुके हैं, कई कई चक्कर काट के पीछे रह गए। यदि जब तक यहाँ उपमंडल नहीं बनता जब तक ये समस्या दूर नहीं होती। अब पिछली बार बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, डिप्टी सीएम साहब से भी, वो कह रहे भी मीटिंग में कर देंगे, लेकिन वो मीटिंग नहीं हुई, और जब तक यहाँ नीलो खेड़ी में उपमंडल नहीं बनता जी तब तक सुधार भी नहीं होता, लोग बहुत तंग है इस बार, ये सही है इनकी राय। अच्छा, एक शहर से जो अनाज मंडी है उसको शिफ्ट करने की मांग भी लगातार लोगों की तरफ से रखी जाती रही है, अब इसको अनाज मंडी शिफ्ट करने की जो शहर से, इसको लेकर के भी मांग उठती रही है, अब इस मांग को लेकर के कितने कदम आगे बढ़ पाए? ये तो डायरेक्टर थे हमारे पंचायत के, उनको पता है मेरे को पता है, एक तक दिन में इसके लिए उस ऑफिस में कार्ड देके चार बार गए एक तक दिन में, और वहाँ जो नीलो खेड़ी में जो ये मंडी बाहर निकालनी थी पूजम और इसके बराने के बीच मनक माजरे के बीच में एक 2 एकड़ में कुछ बाड़े बने हुए हैं 100 गज के, वो 100 गज के बाड़े के लिए मैंने विधानसभा में विवाद उठाई, मैंने डायरेक्टर साहब के पास भी गए, सीएम साहब के पास भी गया, सिर्फ बाड़े ट्रांसफर होने हैं, बाड़े लेने वाले को कोई दिक्कत नहीं, जिनके बाड़े थे उनको दूसरी जगह जाने में दिक्कत नहीं, ना वहाँ कोई मकान बने अभी उसका बीचू अभी कटवाने में दिक्कत है, ना बाड़े वाले को दिक्कत ना कुछ है, तो देखो संबंधित उसके विभाग की कमी है। चलिए, ये विभागीय कमी है आप बता रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के आगे आने वाले समय के लिए बहुत सारे आपके पास प्लान भी हैं, आपने कहा है कि जो परेशानियां उनका जल्द से जल्द समाधान भी हो गया, मुख्यमंत्री के साथ लगातार बातचीत होती रही है। खैर, बहुत शुक्रिया धर्मपाल गोंदर जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, और नीलो खेड़ी के अलग अलग विषयों को लेकर के आपने आपका रोड मैप किया है, आगे आने वाले समय के अंदर आप किस रास्ते पर चल करके नीलो खेड़ी के पूरे विकास के लिए आप क्या करना चाहते हैं ये पूरी प्लानिंग आपके द्वारा बताई गई है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।